Arrest him! की सारी सीमाओं को लांग दी है तुम लोगों ने। अपने आदमियों से कह दो बुद्धिमानी दिखाने की चेष्टा ना करे, अन्यथा Put your weapons down. Do it now. स्पेयर, अपने सिपाहियों से कहो सारे अलग अलग होकर चारों दिशाओं में भागे। कहो Everybody run, go! भागो। भाग भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है। अब तुम्हें भी अपने कमिश्नरी में पना ले लेना चाहिए। भागो पैदल। भागो दौड़कर भाग फिरंगी, दौड़कर भाग। समर भाव, अब आप शीघ्र ही झांसी की सीमा छोड़कर कहीं और चले जाइए। हमें इन फिरंगियों पर विश्वास नहीं, इसलिए हमने इन्हें अलग अलग दिशाओं में भगाया ताकि ये मिल ना पाए। अब तो हमारे प्राण भी आपके ऋणी हो गए। अब आप शीघ्र ही प्रस्थान कीजिए समर भाव। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। हाँ समर भाव, ईश्वर ने चाह तो हम अवश्य मिलेंगे, परंतु हम आशंकित हैं। पता नहीं हम फिर मिलेंगे या नहीं। बस मणिकर्णिका बस। आपसे ना हम कोई प्रश्न करना चाहते हैं ना कोई उत्तर सुनना चाहते हैं। हम एक पल में आपकी लक्ष्मीबाई से मणिकर्णिका हो गए। चाहने लगे थे हम आपको, अभी चाहत की कोमल फूटी नहीं थी और आपने उसे मसल कर रख दिया। इसमें आपका कोई दोष नहीं, दोष तो हमारा है।
हम बहुत जल्दी सब पर विश्वास कर लेते हैं। अविश्वास तो हमारे भाग्य में लिखा है। आपने विश्वास तोड़कर महारानी की गरिमा ही नहीं, झांसी नरेश के साथ साथ अपने पति के विश्वास और स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई है। इसलिए मणिकर्णिका, पुत्री मोरपंत तांबे से महारानी लक्ष्मीबाई के सर्वाधिकार वापस ले रहे हैं। अब झांसी में आपके लिए कोई स्थान नहीं। इनके प्रस्थान का उचित प्रबंध किया जाए। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। ये सब तुम्हारी पुत्री का दोष है। जरा गुण तो देखो अपनी बेटी के। संसार की कोई भी लड़की इस तरह से इतनी पवित्र और शुभ रात के दिन अपने पति को अकेला छोड़कर नहीं जाती है। जब से आई है हम हमारे राव बा को नित नई समस्याओं में ही उलझा देखते हैं। जाने हमारा राव बा किस हाल में होगा। आयश्री जी, क्या है? महाराज महल में पधार चुके हैं। महाराज, एक पल में हम आपकी लक्ष्मी बाई से मणिकर्णिका हो गए। रावा, क्या हुआ बेटा? पुत्री मोरपंत तांबे से महारानी लक्ष्मीबाई के सर्वाधिकार वापस ले रहे हैं। रावा, मनु कहाँ है महाराज? अब झांसी में आपके लिए कोई स्थान नहीं। महाराज कृपया बताइए मनु कहाँ है। मणिकर्णिका इस महल में कभी वापस नहीं आएगी। हमारे राव बा को इस समय अकेला छोड़ दीजिए। आपने हमें वचन दिया, इसलिए हमें विश्वास है कि आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारी प्रजा को आभास हो जाएगा कि राजा और रानी के बीच में मतभेद है। आशा है कि आपने हमें सब बता दिया, कुछ नहीं छुपाया। भविष्य में यदि हमें पता चला कि आपने हमसे कुछ छुपाया तो इसे हम अपने साथ विश्वासघात मानेंगे। महारानी। महाराज, हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते। हर बात जानना आपका अधिकार है। फिर भी यदि कुछ रह जाए और इस बात का आपको कोई भी आभास हो कि हमने आपसे कुछ छिपाया है तो कृपया आप इसका अर्थ ये बिल्कुल न लगाइएगा कि आपकी लक्ष्मीबाई ने आपसे विश्वासघात किया है। हम विश्वास जीतने पर विश्वास रखते हैं, तोड़ने पर नहीं। नहीं जीता है हमारा विश्वास। कोई नहीं हमारा, कोई नहीं, कोई नहीं है। रावा, बेटा दरवाजा खोल।
स्वाक्य दिए नहीं, संबंधों के लाश पर जलाए गए दिए हैं। नहीं चाहिए। बाबा दरवाजा खोल बेटा। हे भगवान। सैनिक दरवाजा तोड़। सब प्रपंच है, सब धोखा 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 है। जल्दी करो। में से मैं छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं सुनना है। राबा नहीं, राबा अपनी आयशी की बात नहीं सुनेगा। शांत हो जा, इधर आ, इधर आ, बैठ। शांत हो जा बेटा। देख, इस तरह विचलित होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। किस पर विश्वास रखें आयश्री? हमसे कहती थी कि हमें विश्वास, जीतने में विश्वास है, तोड़ने में नहीं। इस प्रकार जीता हमारा विश्वास। शांत हो जा मेरे बेटे, शांत हो जा, कुछ मत सोच। हमारी मान, सब कुछ तेरे हित में होगा बेटा। नहीं, नहीं। हमने उन्हें विश्वास दिलाया था कि समर सिंह को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम उन्हें छुड़ाएंगे, किंतु हमारी बात पे उन्हें विश्वास नहीं था। और हमारी बात के ऊपर वो समर सिंह है। ठीक है, हमने उन्हें झांसी से निकाल दिया, अब वो झांसी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। राबा, हमें तेरे निर्णय पर गर्व है, और ये निर्णय झांसी नरेश का है, जिस पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। बस बेटा, तू शांत हो जा बेटा। मणिकर्णिका पुत्री मोरपंत तांबे से महारानी लक्ष्मीबाई के सारे अधिकार वापस ले लिए हैं। ये तो बहुत सुंदर है। लाइए, हम आपको पहना देते। और अब ये हार हमारे मरने के बाद ही उतरेगा। वहनी साहब, पूरनमासी की रात को ग्रहण लगने की आवश्यकता ही नहीं है।
महारानी के भाग को बादलों ने ढक लिया है। चांद क्या, सितारे भी चले गए हैं गर्दिश में मणिकर्णिका के। अरे जब जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बजेगी। अब लक्ष्मीबाई तो खुद ही हट गई, गंगाधर को हटाने की जिम्मेदारी आपकी है सुकुबाई साहिबा। उसे हम पे ही छोड़ दो तुम। आईश्री जी, महाराज ने कुछ बताया कि मनु कहां है? हमें कुछ नहीं बताया। परंतु आईश्री जी, वो अब तक नहीं लौटी। तो जाओ जाकर ढूंढो उसे। हमारे बरसों की तपस्या को एक पल में मिट्टी में मिला दिया तुम्हारी पुत्री ने। एक महारानी की गरिमा को ही लांछित नहीं किया बल्कि अपने पति के विश्वास को तोड़ा है। इतनी शुभ और पवित्र रात को अपने पति को अकेला छोड़कर स्वयं एक डाकू को छुड़वाने चली गई। आयश्री जी, आपको महाराज ने अवश्य बताया होगा कि महारानी कहाँ है। अब वो महारानी नहीं रही। रावण ने उसे महारानी के साथ साथ पत्नी के अधिकार भी छीन लिए और उसे झांसी से निकाल दिया गया है। क्या काका, काका? हमारे रावबा के पास यही एक विकल्प बचा था। जो औरत पत्नी का धर्म ना निभा सके तो एक पति कर ही क्या सकता है। अरे भाग्य तो हमारे फूट गए थे जो ऐसी बहू हमारे घर में आई। जब से उसके पैर हमारे महल में पड़े हैं एक पल के लिए भी सुख शांति नहीं मिली हमें। एक के बाद एक ऐसे कारनामे करके हमें एक आतंकित जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। बस एक के बाद एक ऐसे कारनामे करके हमें एक आतंकित जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। बस क्षमा कीजिए आयश्री जी, परंतु आप आवश्यकता से अधिक बोल रही हैं। अरे जिसके कारण झांसी के भाग्य खुल गए उसको इस प्रकार कोसते हुए जरा भी लज्जा नहीं आई आपको? आयश्री जी, क्या है ये? किसी ने इसे दरबार के मुख्य द्वार पर रख दिया था। ये लक्ष्मी बाई के। तो क्या इसका अर्थ है वो यही कहीं है? चलो चलिए काका। झांसी नरेश के साथ साथ अपने पति के विश्वास और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाइए। मणिकर्णिका पुत्री मोरपंत तांबे से महारानी लक्ष्मीबाई के सारे अधिकार वापस ले लिए हैं। झांसी में आपको कोई स्थान नहीं है। पल में हम आपकी लक्ष्मीबाई से मणिकर्णिका हो गए। अब झांसी में आपको कोई स्थान नहीं है।